हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप, आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट गया है, तो हम डायरेक्ट आपको सेंटर से आपको सभी बच्चों से रूबरू कराएंगे कि अब कैसा दो शिफ्ट के बाद में कितना मॉडरेट हुआ या कैसा कितना इम्प्रूव हुआ या वैसा ही पेपर आ रहा है। तो हम डायरेक्ट बात कराते हैं, कैसा हुआ भाई पेपर? अभी पेपर नहीं हुआ है। अभी आपका पेपर नहीं हुआ, कैसा हुआ दोस्त पेपर? पेपर अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट हो गया? मेरा 60 हो गया। 60 हो गया। मैथ में कितना अटेम्प्ट हुआ? मैथ में 15 हुए। 15 हुए। कोई क्वेश्चन याद आ रहा? नहीं, वो चक्रवृद्धि ब्याज से आए थे, दो आए थे 7 साल वाले। अच्छा अच्छा। और रीजनिंग में? रीजनिंग में आए थे। अच्छा अच्छा, चलिए ओके, थैंक यू। कैसा हुआ मैम पेपर? अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट हो गया? एक मिनट दे दी, एक मिनट। 60 अटेम्प्ट हो गया। 60 मैथ में कितना अटेम्प्ट हो गया? मैथ में अप्रोक्स था 7 से 8 का क्वेश्चन। ओके, कोई मैथ में क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? बहुत सारे क्वेश्चन से याद। अच्छा, आपको टॉपिक बता दीजिए, कौन किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं? एक क्रैमूल और विक्रैमूल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, लाभ वाले जो आते हैं। लाभ, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का। और कुछ? चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। कैसा पेपर हुआ? ये थोड़ा मास्क का थोड़ा आवाज आएगी। कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ भी ऐसे ही। अच्छा, कितना अटेम्प्ट, कितना हो गया टोटल अटेम्प्ट? 80 हो गया। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, और मैथ में कितना अटेम्प्ट हो गया? सर मैथ में हमने पहली बार दिया ना, तो पूरा नहीं कर पाए। अब कितना हुआ? पहली बार हमने एग्जाम दिया है, पहली बार आके तुम्हारा सही से। अच्छा, मैथ में नहीं हो पाया? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जीएस में कितना हुआ? वो जीएस में कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हो? नहीं सर, नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं, थैंक यू, थैंक यू। भाई कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। भाई कैसा हुआ पेपर? बढ़िया, एकदम बढ़िया हुआ। कितना अटेम्प्ट हो गया भाई? 68 हुआ है। मैथ में कितना अटेम्प्ट? मैथ बिल्कुल नॉर्मल थी। नॉर्मल थी? नहीं, मैथ नॉर्मल थी। अब उन्होंने गेम ये खेल दिया, रीजनिंग अब की बार बढ़ा दी। रीजनिंग का मतलब लेवल बढ़ा दिया थोड़ा, 2-4 क्वेश्चन बाकी तब नॉर्मल ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल था, बाकी सब नॉर्मल था। रीजनिंग में किस टाइप के, मतलब आपको टफ किस टाइप के क्वेश्चन? टफ क्या है वो, टाइम ले रहे, टाइम ले रहे, सिटिंग अरेंजमेंट वाला 8 बैठा ले अंदर बाहर दोनों तरफ से। अच्छा, मतलब वो तो टाइम टेकिंग हो ही जाता है। टाइम टेकिंग जो सिटिंग अरेंजमेंट के होते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाते हैं। और कुछ रीजनिंग में आपको कौन सा पोर्शन और टफ लगा? औजार टफ नहीं था, नॉर्मल। सिटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन थे? दो क्वेश्चन थे, एक नॉर्मल था, 6 बैठा रहे थे। वो इजीली हो गया होगा। ठीक है, मैथ में कोई आपको क्वेश्चन याद आ रहा है? कौन से टॉपिक से बन रहे हैं क्वेश्चन? मैथ में एक मिक्सचर से था, 2-3 सारे लाभ हानि से क्वेश्चन पूछ रहा है। 2% थे, 2% से थे। लाभ हानि से कितना था? 2 या 3 होंगे, 3 होंगे सर। डिस्काउंट से वो सब मिला के 4 से 5 कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, वही होगा। और उससे कंपाउंड इंटरेस्ट से? कंपाउंड इंटरेस्ट से था, 2 क्वेश्चन थे, 2 कंपाउंड। सिंपल से पूछ रहा है? सिंपल नहीं, एक तो नॉर्मल हो रहा था, एक पूछ रहा था, 4 बार निकलवा रहा था, अर्धवार्षिक करके 4 बार निकलवा रहा। ओके ओके। अच्छा, अर्धवार्षिक मतलब 4 साइकिल करके 4 बार हो जाएगा, मतलब 4 साइकिल 14% दे रहा, 7-7 मतलब 2 साल का, मतलब 4 साइकिल बन जाएंगे ना। ठीक है, 4 साइकिल। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से किस टाइप का? एक क्वेश्चन था ट्रेन का, एक था वो वाला एवरेज वाला, औसत चाल वाला। अच्छा, औसत चाल मतलब उसका स्पीड वाला ही ऐसे दे रहा था, 200 मीटर 200 सेकंड में 100 मीटर, 400 सेकंड 200 मीटर, उसकी टोटल करवा रहा था। अच्छा, 0.5 आ रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और बोर्ड से पूछ रहा है क्या? बोर्ड नहीं था, सिंपल वो सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। ठीक है, और टाइम उसमें टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन पूछ रहा है। और उससे पाइप टंकी से? पाइप टंकी नहीं था, नहीं था, था ही नहीं था। ओके ओके। और उसका जीएस का कोई क्वेश्चन याद आ रहा होगा आपको? जीएस में आर्टिकल 19 था, वो बाघ वाला दिया था। आर्टिकल 19 का और याद नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब जीएस कैसा था? मॉडरेट था, मॉडरेट ही समझ लो, मॉडरेट थोड़ा 8 से 10 क्वेश्चन मतलब करने लायक थे, अच्छे लायक थे। अगर मतलब जिस थोड़ा मॉडरेट थे, जिसकी तैयारी अच्छी है वो 13-14 कर लेगा। हां, वो 14-15 भी कर सकता है। पीरियोडिक टेबल से पूछा गया था, दो एक दो क्वेश्चन बैठे तो पूछ रहे हैं थोड़ा बढ़ा के। ठीक है भाई, थैंक यू। हो गया 60 क्वेश्चन हुआ। अच्छा, बहुत सही है।
और कुछ बताएंगे क्वेश्चन, मतलब कुछ जैसे जीएस के कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? हाँ, क्वेश्चन में वही था, एक था जोलजी से, था उससे जोलजी से, उसमें पूछा गया था कि 4 कैलोरी कितने के बराबर होती है। अच्छा अच्छा, तो उसमें पूछा गया था जो है किसकी कैलोरी, 4 कैलोरी ऊर्जा किस कितने के बराबर है। ओके ओके, तो उसने बोला था कि 4 kg प्रोटीन के बराबर। अच्छा अच्छा, और कुछ आपको याद आ रहा हो रीजनिंग में, कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? रीजनिंग में वो मेज वाला था बैठने के लिए, उसमें अजम सबसे ज्यादा पॉपुलर, वही जो क्वेश्चन फंसता है ना वही याद भी रहता है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो करे और निकल लिए, उसमें ज्यादा मतलब वो याद भी नहीं रहता है। जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं ना, वो ही याद रहते हैं। तो करंट चेयरमैन ऑफ सेबी, करंट चेयरमैन ऑफ सेबी, माधुरी परिभोज। अच्छा, सेबी के माधुरी करंट मतलब चेयरमैन को पूछा, माधुरी परिभोज। अच्छा, माधुरी। ओके, और कुछ याद आ रहा? अच्छा, लाइन क्या? अच्छा, झूला के लिए लाइन लगी हुई है, बैग के लिए। अच्छा, बैग के लिए है। चलिए, और कुछ भाई है किसी को याद आ रहा? कितना आपका हो गया अटेंड? 64 हो गया, बढ़िया है। अगर वही मेरा मानना है 55 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ जाएगा, अगर सही क्वेश्चन है। हो सकता है, हाँ, क्योंकि इसका मैथ का भी ठीक मतलब आप समझ रहे हैं, 14 नंबर बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुतों के गलत भी जाते हैं, गलत तो होते ही हैं, क्योंकि कुछ तो लगभग तुक्के के करीब, जो अगर लगता कि नहीं यहाँ 2 में तो वहाँ पे तुक्का भी लगा देते हैं, तो ऐसे गलत भी हो जाते हैं। तो अगर 110 नंबर अगर बन रहा है तो मेरे समझ से हो जाएगा, और 110 तो लगभग बन ही जाएगा, क्योंकि रीजनिंग भी ठीक था, हिंदी भी ठीक था, मैथ को थोड़ा सा मतलब 4 या 5 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के कितना, मतलब 2 क्वेश्चन नहीं नहीं 3 तो थे ही थे कम से कम, 3 क्वेश्चन थे कंपाउंड इंटरेस्ट के, 3 क्वेश्चन। हाँ, मे बी, और उसमें 4 टाइम्स का पूछ रहे थे, जैसे कि अगर रेट हमने दे दी आपको लाइक ईयरली और टाइम मतलब 2 ईयर्स, मतलब ऐसे थर्ड मंथ के हिसाब से रेट चल रही है, टाइम दे दिया 1 ईयर। अच्छा, मतलब 3 महीने का भी दे रखा है। हाँ, मतलब थर्ड मंथली रेट दे रखी है आपको, मतलब और 1 ईयर का आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, 1 ईयर का, तो मतलब 4 साइकिल बना, 4 साइकिल बना रहे हैं, 4 साइकिल बना के, मतलब वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है बस। थोड़ा मतलब 4 ईयर का, हाँ, मतलब 4 ईयर में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, 4 ईयर में आप, लेकिन कर सकते हैं। अगर नंबर इजी नहीं थे, अगर नंबर इजी हो तो 4 ईयर्स में भी कैलकुलेट करना इजी होता है, पॉइंट में आंसर आ रहे थे सभी के। अच्छा अच्छा, तो और ज्यादा क्वेश्चन टफ हो जाता है उससे, वो उससे आप लगभग से निकाल सकते हैं। हाँ भाई, हाँ जी बताइए। हाँ, कैसा हुआ पेपर? तो अच्छा गया, 60% के आसपास, 60% हाँ, 80 क्वेश्चन थे, 60 किए, 60 क्वेश्चन किए जी, तो वो 60 नहीं है, 60 से ऊपर हो गया। हाँ, 60 में हम 60% नहीं कह रहे, 60 क्वेश्चन कह रहे, 60 क्वेश्चन ठीक है। कितना और मैथ में कितना अटेम्प्ट? सर मैथ में वही 15 के आसपास, 15 के आसपास जी, बढ़िया है, 15 अच्छा है। हाँ हाँ, और जीएस रीजनिंग के पूरे किए हैं, और हिंदी के और जीएस के बहुत छोड़े, जीएस के देखो, हाँ डिपेंड करता है ना, किसी का जीएस नहीं अच्छा होता, जीएस हमारा रीजनिंग तो लगभग ठीक होता है, मैं रीजनिंग हिंदी जीएस नहीं। अच्छा, जीएस बाकी मतलब ये 3 के 3 क्वेश्चन लगभग लगभग रीजनिंग हमारी पूरी सही है। हिंदी में किस टाइप का क्वेश्चन बना हिंदी में कुछ, मतलब नया कुछ क्वेश्चन बन रहा है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं भाई, पुराने नया कुछ नहीं। क्या वो विलोम सब पर्यायवाची और क्या ग्रामर से कुछ बन रहा हो? ग्रामर से नहीं, ऐसे रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं तो कह रहा हूं, जैसे क्वेश्चन पूछा आधा पानी पदार्थ को क्या कहते हैं, तो खाद्य पदार्थ ही कहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन थे नॉर्मल। सर हमारा पहली बार अटेम्प्ट था। अच्छा, पहली अटेम्प्ट था, कितना अटेम्प्ट हो गया? 25 अटेम्प्ट कर पाए हम, 25 अटेम्प्ट कर पाए जी सर। ओके ओके, आपका कैसा हुआ? सर मेरा तो अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। कितना अटेम्प्ट हो गया? ऐसे मैंने 65 किए, 65 अच्छा है। कितना मैथ में कितना हुआ? मैथ में ऐसे हुए 11 क्वेश्चन हो गया। ओके, कोई मैथ का क्वेश्चन याद आ रहा हो? सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं याद आ रहा, टॉपिक याद आ रहा सर, ऐसे क्या बताएं आप? चलो कोई नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों देख रहे थे आप अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 पे, इसी तरह से जुड़े रहिए आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121, और इसी तरह से आपको हर शिफ्ट का एनालाइज हम आप डायरेक्ट आप सेंटर से जाके हम आपको दिखाएंगे। और तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।